नव निर्वाचित नगरपालिका सदन की आज हाउस की पहली बैठक हुई थी जिसमें शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ एजेंडा रहा है, हमारे साथ नपा प्रधान हैप्पी गुप्ता हैं, उनसे जानेंगे कि पहली बार उन्होंने इस सदन की अध्यक्षता की है, क्या कुछ प्लानिंग उनके लिए शहर की तैयार की गई है। जी हैप्पी, आज हाउस की पहली बैठक थी, क्या कुछ विकास कार्यों पर, किस तरह की प्लानिंग पर चर्चा की गई? सबसे पहले जो हमने ये मीटिंग रखी है, अपने शहर में जो सफाई व्यवस्था है और जो लाइट की व्यवस्था है उसको देखते हुए कि हमें जल्दी मीटिंग रखी गई, क्योंकि दूसरे कामों के लिए तो अभी कमेटी में जो मुझे पता चला फंड्स नहीं है अभी, लेकिन ये बेसिक नीड है जो सफाई की, जो दिक्कत आई हुई है शहर में पिछले काफ़ी समय से, सफाई की दिक्कत और लाइट की दिक्कत, ये बड़ी समस्याएं थी। इनको लेकर कुछ हमारे टेंडर ख़त्म हो रहे थे, उनके लिए हमें एक इमरजेंसी मीटिंग रखनी पड़ी ताकि उनको कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए उसको एक्सटेंड कर दें, परमिशन लेके हाउस में पास करके, और कुछ उसके नए टेंडर लगा दी जाएँ। तब तक जाके नए टेंडर नहीं हो पाते तब तक कि पुराने टेंडर को ही थोड़ी कुछ एक्सटेंशन करके टाइम का, ताकि वो चलती रहे। मेन तो यही थी हमारी आज की जो है। कुछ बदलाव किया जाएगा कि जिस तरह से सफाई व्यवस्था है शहर की, आप मानते हैं कि ठीक नहीं है, तो कुछ बदलाव है इसमें? इसमें बदलाव है जी, इसमें जो पहले जो कर्मचारी थे वो काफ़ी कम थे पूरे गोंडा के शहर के हिसाब से, इसके लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, तो इसका एक टेंडर पास किया गया है जो हमारा 11 से लेकर 17 वार्ड तक का है, इसका एक अलग से टेंडर निकाला जा रहा है, उसमें जो सफाई व्यवस्था है वो नया टेंडर वाला उसको करेगा, क्लीनिंग और स्वीपिंग उसकी सारी, और जो बाकी रह गए हैं ये हम पुराने कर्मचारियों से एडजस्ट करा के ये कराएंगे, ताकि सुचारू रूप से डोर टू डोर भी सही कर सके और उसकी स्वीपिंग भी हो सके। एक और है कि 21 कॉलोनियाँ जो है वैध की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, वो अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाई हैं, तो क्या इस मीटिंग में उस बारे में कोई चर्चा हुई है? उस बारे में चर्चा हुई है, उसके रिगार्डिंग फंड आया हुआ है कुछ सरकार से, तो उसके टेंडर भी निकले हुए हैं, लेकिन उसमें कोई आजकल सरकार ने उसका, पहले तो कमेटी पे पावर होती थी यहीं पर उसको पास करने की, टेंडर को ओपन करने की, लेकिन अब सरकार ने उसमें कोई कमेटी बना दी गई है, 5 आदमियों की कमेटी होती है, वो उसको टेक्निकल टेंडर को पास करते हैं, जब तक वो वहाँ से नहीं होता तब तक वो ओपन नहीं हो पाता, तो वो कोई हर एक अलग अलग जगह से बंदा होता है, वो एक जगह से नहीं है, वो ऑनलाइन ही चल रहा है, जैसे ही वो टेक्निकल उसमें क्लैरिटी मिलेगी तभी उसके टेंडर ओपन हो जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। तो एक और है, जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी का जो इशू चल रहा है उसको लेकर लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं कि सुधार नहीं हो पा रहा, बार बार उनको इसके लिए नगर पालिका दफ्तर, क्या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा? इसमें भी कुछ कमेटी लगी हुई है इसके लिए, अभी अब सर्वे जो पहले नंबर्स थे और जो नए नंबर अलॉट हुए हैं उसका एक कमेटी सर्वे करा रही है अपने लेवल पे, और जो उसके अंदर दिक्कतें आ रही है उनको नोट करा जा रहा है, फिर उस पर समाधान किया जाएगा। तो हाउस की बैठक बुलाई गई थी, कैसे क्या एजेंडा है? जी देखिए, आज जो नया हाउस बना है उसकी पहली बैठक थी, तो इसमें हमने आज विचार किया कि जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो कैसे बेहतर की जाए, उसके लिए कुछ एजेंडे पास किए गए, और किस तरह से जो है स्ट्रीट लाइट जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया जाए, इसके अलावा कुछ और मुद्दे थे कि शहर में जैसे अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो शहर में हम एक फोगिंग सारे वार्डों में हो जाए ताकि मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाई जा सके। इसके अलावा गोबर का जो सफाई में मेन समस्या है गोबर की है, कि लोग गोबर डालते हैं, उसकी एक योजना पर विचार किया गया कि किस तरह से नगर पालिका ऐसी योजना बनाए कि ताकि गोबरों का उठान हम नगर पालिका अपने स्तर पर कर सकें, तो ये आज मुद्दे हैं। एक नई 7 कॉलोनियों का जिक्र आ रहा है कि निदेशालय से कुछ ऐसे आदेश प्राप्त किए गए हैं। जी, एक निदेशालय से जो है ना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक सर्वे कराया है, तो वहाँ से हमें हमारे निदेशालय से 7 कॉलोनियों का एक वो प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में आज चर्चा की गई और प्रस्ताव उसमें पास किया गया। कौन कौन सी कॉलोनी है इसमें? बालाजी कॉलोनी है, भट्ठा कॉलोनी है, और इस तरह से। तो कैसे क्या प्लानिंग की गई इन कॉलोनियों में? जी, इन कॉलोनियों का सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक इनका वो सर्वे हम करवाएंगे और सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो सफाई व्यवस्था को लेकर है प्लानिंग? हाँ, सफाई व्यवस्था में डिस्कस हुआ कि पहले से कुछ अच्छी हुई है सफाई व्यवस्था, एक हम और नया टेंडर अभी लगा रहे हैं जिससे जो सफाई व्यवस्था में कुछ कमी है वो तुरंत दूर हो जाए। डस्टबिन खरीदने? हाँ, डस्टबिन का रखा गया कि बहुत सारे एरिया में डस्टबिन अभी पुराने हो चुके हैं, गल चुके हैं, शहर में नए डस्टबिन लगाए जाएं, जो खराब डस्टबिन हो चुके हैं उनके जगह वो भी हमने आज पास किया। एक और शहर की बड़ी दिक्कत है कि नगर पालिका ने कुछ समय पहले स्पीड ब्रेकर जो है लगाए थे गलियों में, चाहे मुख्य सड़कों पर, लेकिन अब उनकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, आधे अधूरे ब्रेकर्स हैं जिससे वाहन चालकों को दिक्कत है, तो ऐसे में इसको लेकर कोई प्लानिंग है? अभी ऐसी समस्या अभी मेरे नॉलेज में नहीं आई है, मैं आपसे ही कह रहा, बाकी इसके बारे में मैं डिस्कस करके
जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उसके लिए हम विचार करेंगे। बिल्कुल, नगरपालिका सदन की जो है आज पहली बैठक थी जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था में कुछ बदलाव जो है वो आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि नगरपालिका जो पहले अच्छे मुकाम पर होती थी अब वो पीछे खिसक जरूर गई है, लेकिन प्रयास है कि जल्द ही दोबारा से नगरपालिका वो मुकाम हासिल करे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।